नमस्कार दोस्तों कंपटीशन कम्युनिटी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है इस ऐसे स्पेशल क्लास में मैं अनिकेत दिवांगन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नवली इस पूरे अर्थव्यवस्था के सेशन के दौरान हम अर्थव्यवस्था के उन सारे क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली की चर्चा करेंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो चलिए बिना देर करते हुए आज की विषय सूची की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आज की विषय सूची कुछ इस प्रकार है सर्वप्रथम हम यहाँ पर आज देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे यहाँ पर किया गया है फिर इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं फिर भारतीय अर्थव्यवस्था इनको देखते हुए कहाँ पर स्टैंड करती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण कैसे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है क्या क्या समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर मौजूद है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं फिर हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में राष्ट्रीय आय का हम लोग यहाँ पर मापन कैसे करते हैं क्योंकि बिना राष्ट्रीय आय का मापन किए हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे जीडीपी का साइज कैसे है क्योंकि जीडीपी एक ऐसा यहाँ पर टोल है जो किसी भी देश की ठीक है क्षमता को प्रदर्शित यहाँ पर करता है कोई देश शक्तिशाली कितना है कितना नहीं है वो उसकी अर्थव्यवस्था को देख ही यहाँ पर बताया जाता है फिर उसके बाद में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्तमान के आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे और ये दोनों टॉपिक से हम यहां पर देखते हैं कि हर दूसरे पेपर में यहां से संबंधित कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो जरूर यहां पर पूछा जाता है तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है सबसे पहले यहां पर पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है अब भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था को या संरचनात्मक रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था को हम लोग संरचनात्मक रूप से अर्थव्यवस्था को हम लोग तीन अलग अलग टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सोशलिस्टिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था तीसरा जो है अपना यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी या जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था तो संरचनात्मक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को तीन भागों में यहाँ पर बांटा जाता है पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं जी जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है रॉ मटेरियल कलेक्शन से लेकर उसको मैन्युफैक्चर करते हुए एक प्रोडक्ट में बदलना और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना ये जितनी भी गतिविधियां हैं यहाँ पर ये सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ पर कहलाती है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हैं वो केवल और केवल प्राइवेट कंपनी के द्वारा यहाँ पर संचालित की जाए मतलब वहां केवल और केवल निजी कंपनियां होंगी सरकार की कोई भी कंपनी नहीं होगी सरकार किसी भी मामलों में यहां पर आर्थिक गतिविधि में यहां पर हस्तक्षेप नहीं करेगा ऐसी अर्थव्यवस्था को हमने यहां पर बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वही हम अगर दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीवादी की ही यहाँ पर अपोज के दौरान यहाँ पर अस्तित्व में आई और हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी गतिविधियां हैं अब ये गतिविधियां कौन करे सरकार करे तो बिल्कुल हम देखते हैं यहाँ पर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक जितनी भी जो गतिविधियाँ हैं वो किसके द्वारा संचालित की जाए सरकार के द्वारा कम संचालित की जाए या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा यहाँ पर संचालित की जाए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं फिर थर्ड टाइप की इकोनॉमी में हम लोग यहाँ पर जाते हैं ये उन देशों ने यहाँ पर ऑप्ट किया है जो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूंजी की समस्याओं से यहाँ पर जूझ रहे थे उन्होंने ये फैसला लिया चूँकि उनके यहाँ पूंजी की कमी है तो निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति निजी कंपनी या सरकारी कंपनी दोनों मिलजुल कर यहाँ पर प्रति स्पर्धा के साथ में सहभागिता के साथ में यहाँ पर खुले बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करें तो कहने का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कह रहे हैं हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट कंपनी भी हो और गवर्नमेंट कंपनी भी हो और दोनों परस्पर ओपन मार्केट में या खुले बाज़ार में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का संचालन करे तो बिल्कुल सही हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी किस प्रकार की होगी मिश्रित प्रकार की होगी क्यों क्योंकि हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी भी है जो आप लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत सरकार की बी भी है जो आप लोगों को ये सारी सुविधा यहाँ पर प्रदान करती है और दोनों खुले बाज़ार में परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का यहाँ पर संचालन करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कह रहे हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं या इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसके द्वारा संचालित की जाए गवर्नमेंट और जो निजी कंपनी है दोनों के माध्यम से तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं पहला ऑप्शन पर लिखा हुआ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है तो ये गलत हुआ अपना दूसरा हम लोग देख रहे हैं जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ में निजी क्षेत्र भी यहां पर विद्यमान हो तो जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा था जहां प्राइवेट कंपनी भी हो गवर्नमेंट कंपनी भी हो और दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा खुले बाजार पे यहां पर आर्थिक क्रियाएं करें तो इस प्रश्न का आंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन है के जनक आ, के ऊपर में तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है ठीक है देखिए ध्यान में रखिए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं हम लोग यहां पर एडम स्मिथ को कहते हैं तो क्या एडम स्मिथ ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को यहाँ पर समझाया बिल्कुल भी नहीं अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति या अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग पहले किसी दूसरे ने किया तो फिर हम लोग एडम स्मिथ को क्यों आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के हम लोग नाम से यहाँ पर जानते हैं देखिए इनके पीछे का एक बुक है जो इन्होंने यहाँ पर लिखा था उस बुक का नाम है यहाँ पर एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन और इस बुक में उन्होंने अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संपादन कैसे किया जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसे यहाँ पर संचालित की जाती है उसका इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पहली बार यहाँ पर दिया था और दूसरा इन्होंने ये भी बताया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे यहाँ पर संचालित हो रही है और उसके पीछे का कारण क्या क्या यहाँ पर है और इसकी दो थ्यूरियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं एक यहाँ पर जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं प्राकृतिक नियम या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर नेचुरल थ्योरी इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि जो लोग हैं जो अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सेल्फ़ इंटरेस्टेड होते हैं सेल्फ इंटरेस्टेड कहने का मतलब वो स्वयं के लाभ के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं तो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कोई एक व्यक्ति यहाँ पर चाय दुकान में चाय यहाँ पर बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोगों को चाय पिलाना है वो चाय पिला लोगों से धन की यहाँ पर इच्छा करता है वो सेल्फ़ इंटरेस्टेड यहाँ पर होते हैं ये क्या कह रहा यहाँ पर प्रकृति का नियम या प्राकृतिक नियम दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं धन का नियम या मुक्त बाजार का नियम या जिसे हम लोग यहाँ पर लेजिस फेरी थ्योरी के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं इन्होंने बोला कोई भी जो वस्तु है मुक्त बाजार में अगर वो आती है तो अपने लिए मार्केट का भी यहाँ पर तलाश करती है प्लस मार्केट को ही ये यह यहाँ पर डिसाइड करने यहाँ पर दिया जाए ऐसा एडम स्मिथ का कहना था कि कौन से वस्तुओं का उत्पादन होगा कौन से वस्तुओं का कितना उत्पादन होगा कहाँ वितरण होगा ये पूरा किसके ऊपर में छोड़ दिया जाए मुक्त बाजार के ऊपर में छोड़ दिया जाए तो चूंकि पहली बार आर्थिक क्रियाओं का एक्सप्लेनेशन एडम स्मिथ ने दिया इसी के कारण एडम स्मिथ को हम लोग यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग यहाँ पर जानते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड तो अर्थव्यवस्था में अगर क्षेत्रों की बात यहाँ पर की जाए जहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन यहाँ पर होता है तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इकोनॉमी को तीन क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया गया है जिसमें पहला यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र या जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर दूसरे को हम लोग यहां पर बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर तीसरे को हम लोग यहां पर बोलते हैं टर्सरी सेक्टर तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में यहां पर विभाजित किया गया है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां वो होती है जहां हम लोग डायरेक्टली नेचुरल उत्पाद का हम लोग यहां पर प्रयोग करते हैं जहां हम लोग डायरेक्टली नेचर से हम लोग क्या करते हैं डील करते हैं तो नेचर से हम लोग जहां कहां कहां डील कर रहे हैं एक तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत में अपना शामिल हो जाता है यहां पर वानिकी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर फॉरेस्टी ठीक है इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर मत्स्य पालन मत्स्य या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फिशरीज हो गए इसके बाद में हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कृषि या जिसको हम लोग यहां पर एग्रीकल्चर तो कहने का मतलब वो सारी गतिविधियां जिसमें हम लोग डायरेक्टली नेचर से डील करते हैं या प्राकृतिक प्रदत्त उत्पादों का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ऐसी सारी गतिविधियों को हम लोग क्या बोल रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जबकि द्वितीयक क्षेत्र में उन वस्तुओं का मतलब प्राथमिक चीज़ों का प्रयोग करके हम उनको मैन्युफैक्चर या विनिर्माण प्रणाली के द्वारा किसी एक यूजफुल प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग परिवर्तित कर देते हैं इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर या उद्योग क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं जबकि टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर अस्तित्व में आए हैं तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पर आते हैं तो कृषि कार्य बिल्कुल हम लोग यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है जहाँ से हम लोग नेचर से डील करते हैं दूसरा वानिकी बिल्कुल हम लोग यहाँ पर वानिकी भी देख रहे हैं कि ये प्रकृति से ही यहाँ पर रिलेटेड है थर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिस्किट उत्पादन ये देखिए एक क्या हो गया यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया फोर्थ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु उत्पादन ये भी क्या हो गया अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया तो दैट मीन्स हम क्या देखते हैं इसका सही उत्तर होगा एक और दो इनका सही उत्तर होगा अपना एक और दो तो देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि कार्य और वानिकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग क्या देख रहे हैं जिसमें पहला यहाँ पर आ, स्टेटमेंट uh, यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र है अभी हमने यहाँ पर देखा बिल्कुल सही है दूसरा हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र उद्योग विनिर्माण बिजली आदि से संबंधित है बिल्कुल हम लोग इसकी हम लोग अभी ही चर्चा यहाँ पर किए हैं कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ होती है जिस जिसे हम एक विनिर्माण प्रणाली के जरिए कुछ एक पर्टिकुलर उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र व्यापार यातायात संचार तथा सेवा से संबंधित है तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पर बताया जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर बनाए गए जैसे व्यापार ठीक है देखो कृषि से संबंधित अगर कोई यहाँ पर उत्पाद का निर्माण कर लिया या फिर विनिर्माण के जरिए उत्पाद का निर्माण कर लिया तो उस उत्पाद को हम लोग लोगों तक कैसे पहुँचाए हमको क्या करना पड़ेगा व्यापार करना पड़ेगा हमको यातायात के साधनों का क्या करना पड़ेगा प्रयोग करना पड़ेगा संचार के साधन भी हमको क्या देते हैं सेवाएं देते हैं तो ये सभी सेवा क्षेत्र से यहाँ पर क्या है संबंधित है तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सारी विशेषताएं यहाँ पर क्या है मौजूद है तीनों क्षेत्रों में हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं यहाँ पर काम करते हैं हमारे लोग यहाँ पर क्या रहते हैं इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर सभी कथन क्या होंगे सत्य होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर छठवा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सेवा क्षेत्र में यहाँ पर संबंधित है सेवा क्षेत्र से कौन कौन से यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो देखिए सेवा क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पर एक्टिविटी होती है हमने यहाँ पर देखा कि सर्विस सेक्टर जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर आ, योगदान देते हैं तो देखो खनन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर माइनिंग ठीक है ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आता है होटल होटल में यहाँ पर आ, जो वेटर होते हैं जो शेफ़ होते हैं वो आपको सेवा देने के लिए आपके बदले खुद स्वयं यहाँ पर भोजन का क्या करते हैं निर्माण करते हैं और उसके लिए आपसे पैसे का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो दैट मीन्स ये जो होटल है ये जो भी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर खाना बना रहे हैं ये आपको सेवा देने के लिए यहाँ पर उपयोग में आते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि परिवहन परिवहन भी किससे संबंधित है यहाँ पर सेवा क्षेत्र से संबंधित है ठीक है वानिकी यहाँ पर किससे संबंधित है वानिकी या जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर फॉरेस्टी ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है अपना यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से यहाँ पर क्या है संबंधित है तो इसका सही आंसर क्या होगा सेवा क्षेत्र में कौन कौन यहाँ पर संबंधित होंगे तो कौन कौन संबंधित होंगे होटल और दूसरा यहाँ पर परिवहन तो उत्तर आपका सही होगा दो और तीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है अब भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है कोई भी इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कब बोलेंगे जब उसमें काफी सारी यहाँ पर वो अर्थव्यवस्था काफी सारी समस्याओं से यहाँ पर क्या कर रहा हो जूझ रहा हो दैट मीन्स हम देखेंगे कि वहाँ की जनसंख्या क्या होगी काफी ज्यादा होगी वहाँ गरीबी वह अर्थव्यवस्था गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही होगी ठीक है हम क्या देखेंगे वहाँ उस अर्थव्यवस्था में आय में असमानता हमको यहाँ पर दिखाई देगी क्योंकि अगर देखिए अगर सबकी आय समान हो जाए तो ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब ठीक है तो आय में असमानता भी यहाँ पर अल्प विकसित होने के यहाँ पर लक्षण है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में यदि कमी है तो भी अर्थव्यवस्था को क्या माना जाएगा यहाँ पर अल्प विकसित तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था या निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी तो देखो आय का असमान वितरण भाई भई हमारे यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अमीर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अमीर होते जा रहा है गरीब काफ़ी यहाँ पर क्या होते जा रहा है गरीब होते जा रहा है दैट मीन्स इनकम इक्वालिटी हमारे यहाँ पर क्या है काफ़ी कमजोर है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन हमारे यहाँ पर समाज में क्या है यहाँ पर मौजूद है तो आय का असमान वितरण बिल्कुल भी एक अल्प अर्थव्यवस्था के होने के पीछे का एक रीज़न है दूसरा हम लोग यहाँ पर जाते हैं हाई डिपेंडेंसी रेशियो या जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर उच्च निर्भरता दर बिल्कुल हम क्या देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में हम यहाँ पर आज भी हमारे देश एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन गवर्नमेंट पे क्या है यहां पर डिपेंडेंट है तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं उच्च निर्भरता दर दूसरा एक कारण होगा यहां पर अल्प विकसित होने के लिए तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर बिल्कुल ये बोल सकते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था अगर धीमी गति से यहाँ पर वृद्धि कर रही है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामाजिक आर्थिक समस्याएं मौजूद होंगी तो तीसरा भी यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा अपना करेक्ट होगा चौथा ऑप्शन देखते हैं कि बैंक व वित्तीय क्षेत्र में यहाँ पर परिवर्तन ये बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन या उसके स्ट्रक्चरल कमी को यहाँ पर क्या कर रहा है शो कर रहा है तो ये भी क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जितना कमजोर होगा लोगों तक यहाँ पर सुविधाएं उतनी ही यहाँ पर कम मात्रा में पहुंचेंगी तो दैट मीन्स ये चारों ऑप्शन क्या हो रहे हैं अपने यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने को यहाँ पर दर्शाते हैं तो इसमें क्या होगा उपरोक्त सभी आंसर हम लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पर लेना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है तो जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं हैं भारत जब आज़ाद हुआ था तो 200 साल अंग्रेज उनके ऊपर में राज करके गए थे तो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था हमारे यहाँ आर्थिक समस्याएँ भी थी हमारे यहाँ सामाजिक समस्याएँ भी थी लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से यहाँ पर विकास का राह चुना और एक लक्ष्य निर्धारित करके उन सारे समस्याओं से जूझने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या किया है यहाँ पर कार्य किया है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिन भी यहाँ पर एरिया में पिछड़ी हुई थी जिसके कारण वो अल्प विकसित थी उन क्षेत्रों में काफी ज़्यादा यहाँ पर सुधार हो चुका है तो इसी के कारण हम यहाँ पर बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस अल्प विकसित को छोड़कर कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर शामिल हो चुकी है विकासशील कैटेगरी में यहाँ पर

कृषि कार्य में यहाँ पर लगे हुए हैं तो हमारे कुल वर्क फोर्स का हम देख रहे हैं कि 48.9 परसेंट लोग आज भी किसमें में यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं कृषि कार्य में और इनका जीडीपी में केवल कंट्रीब्यूशन कितना है अट्ठारह दशमलव आठ प्रतिशत तो जो कि काफी कमजोर है यहाँ पर कमजोर स्थिति को प्रदर्शित करता है क्योंकि जी में योगदान अठारह है तो हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील होने के पीछे का एक यहाँ पर रीजन हम लोग देख रहे हैं दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसगैज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे बोलते हैं या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक से अधिक लोग या ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पर लगे हुए हैं दैट मीन्स अगर सपोज करो इस पेन को बनाने के लिए यहाँ पर तीन लोग एक दिन काम करते हैं और एक दिन में एक पेन का क्या करते हैं निर्माण करते हैं अगर इसमें से तीन में से मैं एक व्यक्ति को निकाल भी देता हूं यहाँ पर तब भी दो व्यक्ति एक दिन में एक इस पेन का निर्माण करेंगे दैट मीन्स एक जो व्यक्ति था उसकी सीमांत उत्पादकता क्या होगी शून्य होगी मतलब यदि उसको काम से निकाल भी दिया जाता है तो प्रोडक्शन पर कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं पड़ता तो कहने का मतलब ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोल रहे हैं डिस्गाइज अनइंप्लॉयमेंट uh, या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी ये सामान्यतः हम लोग को कृषि क्षेत्र में दिखाई देने के लिए आ, मिलते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा मजदूर कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं काम करते हैं दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की यहाँ पर क्या है कमी है जिसके कारण आ, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है कमज़ोर रहता है ठीक है तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना तो दे, देखिए भैया ये उच्च होना शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं पूछा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर विकासशील श्रेणी की यहाँ पर बात यहाँ पर किया हुआ है तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर क्या होगा इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये विकसित देशों में हम लोग देखेंगे कि भारत में अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं काफी ज्यादा कुपोषण और बाकी समस्याओं से जूझ रहा है तो प्रति व्यक्ति प्रोटीन का सेवन हमारे यहाँ क्या है मध्यम टाइप का है और कुछ कुछ राज्यों में यहाँ पर निम्न स्तर का भी है। तो ऑप्शन क्या होगा एक दो और तीन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम किस नाम से जानते हैं तो देखिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत या पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर गुड्स और सर्विसेस या वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है प्रोडक्शन होता है उसका फाइनल वैल्यू या अंतिम मूल्य जी कहलाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है जीडीपी कहलाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं जब जीडीपी की हम लोग डी पर काउंटिंग करते हैं तो यह देखा जाता है जैसे भारत की जीडीपी अगर मैं बोलूं, तो भारत के अंतर्गत में जितना भी यहां पर एक साल के अंतर्गत में एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा भारतीय जी डी पी तो यहां पर यह देखा जाता है कि उत्पादन किसी एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हम लोग यहां पर बोले बिल्कुल सही ठीक है वही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं यहां पर दूसरे क्वेश्चन की ओर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यहां पर राष्ट्रीय आय की गणना की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो उसके लिए यहां पर आधार वर्ष क्या है तो वर्तमान में हम यहां पर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसके लिए आधार वर्ष 2000 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे कितना कर दिया गया है दो हज़ार ग्यारह ये पहले यहाँ पर 2005 हज़ार चार पाँच थी जिसे अभी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है 2011-12 तो राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्य पे जब भी हम यहाँ पर करते हैं तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं वर्तमान में गणना करते हैं तो क्या देखें हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यहाँ पर आधार वर्ष क्या हो रहा है दो हज़ार चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं तो राष्ट्रीय आय के आकलन के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं तो जितने भी हम लोग क्या देख रहे हैं आर्थिक आंकड़े हैं या राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी यहाँ पर आंकड़े हैं वो सी एस ओ दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा यहाँ पर जारी किए जाते हैं तो ध्यान में रखना भारत भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं सी एस ओ वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि सी एस ओ और एनएसएसओ को एनएसएसओ दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को मिलाकर एन एस ओ का गठन 2019 में यहां पर किया गया है तो हम क्या देख रहे हैं राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं यहाँ पर सी एस ओ के अंतर्गत और ये सी एस ओ जो है वो मोसपी के अंदर में यहाँ पर काम करता है ये मोसपी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक है तो ध्यान में रखना कौन से मिनिस्ट्री के अंदर अंतर्गत मोसपी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो आर्थिक आंकड़े भारत सरकार किसके माध्यम से जारी कर रहा है सी एस ओ दैट इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है तो देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे सर्वोत्तम संकेतक है देखो ऑप्शन में यहाँ पर जाते हैं प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद तो अगर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक की हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए पहला अगर ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर जाते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय लिखा है तो बट ऑबियस हम लोग क्या देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कुल जनसंख्या में हम लोग क्या देख रहे हैं जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें से औसत निकाल रहे हैं हम लोग जनसंख्या को भाग देके जो कि ये बताता है कि प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था में लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है तो यदि लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो बाउट ऑब्वियस जी भी क्या होगी यहाँ पर ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय लोगों की ज़्यादा होगी तो उनकी क्षमता भी क्या होगी ज़्यादा होगी वो अपने विकास के लिए स्वयं और अपने परिवार के लोगों के ऊपर में खर्च यहाँ पर कर पाएंगे तो दैट मीन्स किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक जीडीपी को ना लेकर हम लोग किसको यहाँ पर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय को हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो ध्यान में रखना जीडीपी आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक नहीं है बल्कि क्या है अपना प्रति व्यक्ति आय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण या जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता या जब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं वाई कैपिटल फॉर्मेशन डज नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट आउटपुट ग्रोथ हाई सेविंग इकोनॉमी यहाँ पर बोलता है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था हो होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाती देखो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेविंग अपने यहाँ पर क्या है ज्यादा है फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पा रही है क्यों क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं या किसी भी अर्थव्यवस्था की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं देखिए किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर उत्पाद को बनाने के लिए कुछ न कुछ राशि हम लोग को हमेशा क्या करनी पड़ती है खर्च करनी पड़ती है कुछ न कुछ राशि हम लोग को क्या करनी पड़ती है खर्च जैसे एक उत्पाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दस रुपया क्या किया यहाँ पर खर्च किया ठीक है कि नहीं वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति बी ने एक उत्पाद बनाने के लिए यहाँ पर सेम उत्पाद बनाने के लिए यहाँ पर कितना रुपया खर्च किया पांच रुपया देखो लाभ किसको ज्यादा हो रहा होगा यहाँ पर जिसने कम मूल्य पर एक वस्तु का क्या हुआ यहाँ पर उत्पादन किया तो कहने का मतलब इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो इसे हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो ये जितना किसी देश में कम होगा कम होगा कैसे कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पर वस्तु का उत्पादन करने के लिए कितना कम से कम कैपिटल यहाँ पर लग रहा है ये जिस देश में जितना यहाँ पर कम होगा वो देश उतना अच्छा यहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति को क्या करेगा यहाँ पर शो करेगा तो सीधी सी बात है हम क्या देख रहे हैं उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं हमारे यहां कैपिटल आउटपुट रेशियो पर पर क्या क्या है है ज्यादा ज्यादा हम हम एक वस्तु बनाने के लिए पूंजी का लोग करते है? यहाँ पर खर्चा करते हैं हैं खर्चा तो कहने का मतलब ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन डी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित तो में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है देखो एक यहां पर इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट्स उन्होंने यहां पर जीडीपी की गणना करने के लिए तीन यहां पर मेथड बताए जिसमें से पहला यहां पर मेथड था इनकम मेथड, दूसरा यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा यहां पर प्रोडक्ट मेथड। तो इनकम मेथड या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आय विधि एक्सपेंडिचर विधि प्रोडक्ट मेथड कहने का मतलब यहां पर उत्पाद विधि तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है साइमन कोजनेट्स के थ्योरी पर बेस्ड है तो निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है तो बट ऑबियस ऑप्शन में अगर जाते हैं उत्पाद विधि है दूसरा आय विधि है ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्या बोल रहा है वह विधि है तो कौन सी यहां क्वेश्चन क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर हास्यमान लागत विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है किसी गई अवधि के लिए एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय अभी देखो यहां पर राष्ट्रीय आय या किसकी बात किया है यहां पर नेशनल इनकम की यहां पर बात करता है तो किसी एक पर्टिकुलर अवधि या ड्यूरेशन के लिए राष्ट्रीय आय क्या होगी तो देखिए राष्ट्रीय आय को हम कैसे यहाँ पर परिभाषित करते हैं देखो राष्ट्र का मतलब यहाँ पर राष्ट्र के लोगों से होता है हमेशा ठीक है तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि नागरिकों के द्वारा पहला ऑप्शन में अगर जाते हैं तो नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर हो गए तो बिल्कुल सही क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम लोग केवल यह देखते हैं कि वो उत्पादन देश के लोगों के द्वारा ही किया जाए तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि उत्पादन हो तो किसके द्वारा हो यहां पर नागरिकों के द्वारा हो तो देखो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय किसको संबोधित करेगा किसको बताएगा भाई किसके पता चलेगा? नागरिकों के कितना यहाँ पर का उत्पादन किया गया क्षेत्र में, में हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं तो यहां पर यह देखा जाता है कि यह उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए यहां पर राष्ट्र के लोगों के द्वारा यहां पर यह उत्पादन किया जाना चाहिए क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए नेक्स्ट यहां आगे बढ़ते हैं सोलवा प्रश्न है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में एक खुली हुई अर्थव्यवस्था की अगर जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं हम लोग कि एक फाइनेंशियल ईयर में देश के लोगों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा जो यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है सारे गुड्स और सर्विसेज का उसका पैसे में वैल्यू क्या कहलाता है यहां पर राष्ट्रीय आय कहलाता है तो देखो अर्थव्यवस्था में उसी वस्तुओं का उत्पादन होगा जिसका क्या किया जाना चाहिए कंजम्पशन उतने ही वस्तुओं का यहाँ पर उत्पादन किया जाना चाहिए तो देखिए यहाँ पर एक कुछ यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है जो एक बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन अगेन हम लोग रिपीट करते हैं कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जहाँ वाई किसको शो कर रहा है वाई राष्ट्रीय आय को उपभोग या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कंजम्पशन निवेश या जिसको हम लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट सरकारी खर्च या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुल निर्यात और कुल आयात आयात को हमने एक्स से पर डिनोट किया और निर्यात को हमने यहां पर एम से क्या किया यहाँ पर डिनोट किया तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को कौन यहां पर संबोधित करता है तो देखो इसका करेक्ट आंसर आंसर होगा ऑप्शन सी uh, C यहां पर कंजम्पन ये कंजम्पन किसके द्वारा किया जा रहा है यहां पर हाउस होल्ड के द्वारा किसके द्वारा हाउस होल्ड के द्वारा आई इन्वेस्टमेंट या तो क्या किया जाएगा पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा या कंजम्पन किसके द्वारा किया जाएगा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और मैंने जैसे कि यहाँ पर क्या बोला था आपको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल हम ये देखते हैं कि वो उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है ना कि क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हैं तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि नागरिकों के द्वारा उत्पादन तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट किए हैं उस इम्पोर्ट को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे और जो एक्सपोर्ट किए हैं हम लोग मतलब यहाँ से सामान बनाकर बाहर भेजे हैं ठीक है उसको हम लोग क्या कर देंगे यहां पर ऐड कर देंगे तो देखिए ऑप्शन में जिसमें मैंने यहां पर क्या बोला कि जो आयात किए हैं ठीक है, है? सॉरी उल्टा हो गया ठीक है तो जो आयात किए हैं उसको हम क्या कर देंगे यहां पर माइनस कर देंगे तो ये आयात क्या होगा अपना एम और जो निर्यात कर रहे हैं वो क्या होगा अपना यहां पर एक्स क्लियर है तो ये क्या है एक्स मतलब यहां पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर निर्यात कर रहे हैं और एम क्या है जो यहाँ पर हम लोग यहां से आयात कर रहे हैं तो एम को हमने क्या कर दिया माइनस तो ये क्या शो कर रहा है कि कितने वस्तुओं का उत्पादन भारतीय लोगों ने किया है भले उसने यहाँ पर विदेश ही क्यों ना भेज दिया हो तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता प्र है तो देखिए यहाँ पर कोई भी देश का अगर जीवन स्तर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ठीक है तो वो किससे प्रतिबिंबित होगा तो क्या वो गरीबी से हिसाब किताब लगाया जाएगा बिल्कुल भी नहीं जीवन स्तर दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय से तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी देश में अगर लोगों का प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर सक्षमता को क्या करेगा शो करेगा क्यों क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वहां अलग अलग चीजों पर खर्चा कर पाएंगे अपने विकास पर अपने घर वाले लोगों के ऊपर में विकास पर वो खर्चा वहां पर कर पाएंगे तो क्या देख रहे हैं किसी भी देश में जीवन स्तर जो प्रतिबिंबित होता है वो लोगों के प्रति व्यक्ति आय से क्या होता है यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है क्लियर है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जो कि है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय बीस रुपए थी यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था ये बीस रुपए आए किसने बताया था जैसे ऑप्शन ए हैं एम जी राना डे बी सर डब्लू हंटन ने सी आर सी दत्त ने डी दादा भाई नौरोजी ने तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आंसर होगा अपना डी दादा भाई नौरोजी एक्चुअल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 1867 और 68 की बात हम लोग यहाँ पर करें तो उस समय ब्रिटिश क्राउन का शासन हमारे यहाँ पर था तो उन्होंने एक सर्वे करवाया था जो एक मिसलीडिंग डेटा यहाँ पर दिया इंडिया के बारे में जिससे दादा भाई नौरोजी क्या थे यहाँ पर नाखुश थे तो उन्होंने 67, 68 में प्रति व्यक्ति का आकलन स्वयं उन्होंने किया यहाँ पर और क्या बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बीस रुपये थी ठीक है नहीं और दादा भाई नौरोजी ने ही यहाँ पर ध्यान में रखना जेल कंजम्पशन थ्योरी भी यहाँ पर दिया था तो दे जेल कंजम्पशन थ्योरी भी अगर पूछा जाए तो किसने दिया था यहाँ पर दादा भाई नॉरोजी ने ही दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो उन्नीसो क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो देखिए सबसे प्रथम गणना किसने की थी तो दादा भाई नौरोजी अगर अगर पूछा जाए कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है तो वो है वी के आर वी राव जी जिन्होंने हम लोग क्या देखते हैं नाइनटीन ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी नाइन के बीस तक के लिए राष्ट्रीय आय की यहाँ पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से क्या की थी गणना की थी जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के अलग अलग आयाम को वृहत ढंग से यहाँ पर डिफाइन करते हुए एक राष्ट्रीय आय की मापन क्या की थी यहाँ पर प्रस्तुत की थी तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी वी के आर वी राव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ वर्तमान के आंकड़े हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं ध्यान में रखिएगा ये आंकड़े फ्रिक्वेंट यहाँ पर चेंज होते हैं तो आपको एग्जाम से पहले चूंकि अभी एग्जाम का डेट डिक्लियर नहीं हुआ है एग्जाम जब भी होगा तो इन आंकड़ों को वापस से आप लोगों को थोड़ा सा साइट से रिसर्च करके अपने को देख लेना है और इसके लिए एक साइट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी आई बी ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का ही है जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट में कुछ भी यहाँ पर डेटा वगैरह रिलीज होते हैं ये आपको यह डेटा इसमें यहां पर मिल जाएगा तो चलो वर्तमान के आंकड़ों की हम लोग यहां पर बात करते हैं जो अभी तक यहाँ पर अपडेशन है उसकी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बात करते हैं तो देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है अक्सर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि वर्ष दो हजार में भारत की जी कितनी यहाँ पर अनुमानित की गई है तो कितनी अनुमानित की गई है हम क्या देख रहे हैं कि दो हजार में भारत की जो जी है वो आठ से आठ दशमलव पांच के बीच में यहां पर अनुमानित की गई है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाँ पर आगे बढ़ते हैं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं मैं यहां पर ये जो आंकड़े आए थे यहां पर हम लोगों को ये हम लोगों को जून में यहाँ पर देखने के लिए मिले थे यहाँ पर जो कि आ, पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पर डेटा जो रिलीज हुआ था उसके अनुसार है तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है तो वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर जो अनुमानित की गई है वो है आठ दशमलव सात प्रतिशत क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 21-22 में भारत के नाम मात्र जीडीपी uh, वृद्धि दर कितनी है तो नाम मात्र या जिसको हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की हम लोग यहाँ पर बात करें तो नॉमिनल नौ, जीडी का जीडीपी का हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ रेट की यहाँ पर क्या की जा रही है बात की जा रही है तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत की नाम मात्र वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई इससे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखे थे वो कौन सी जीडीपी थी रियल जीडीपी थी या वास्तविक जीडीपी थी और वास्तविक जीडीपी किसको बोलते हैं हम लोग जब जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य के आधार पर करते हैं उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं और जब हम लोग यहाँ पर करेंट uh, प्राइस के आधार पर हम लोग जब यहाँ पर गणना करते हैं या चालू मूल्य के आधार पर जब हम लोग यहाँ पर गणना करते हैं तो उसे हम यहाँ पर नाम मात्र या नॉमिनल जी कहते हैं तो वर्तमान में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जो नाम मात्र जी वृद्धि दर है वो है उन्नीस प्रतिशत कितना प्रतिशत है उन्नीस दशमलव पाँच प्रतिशत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं जिसमें बात करते हैं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक जीवीए जीवीए का फुल फॉर्म यहां पर क्या है जब हम लोग सेक्टर वाइज से यहां पर गणना करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड या एडिशन या जिसको हम लोग बोलते हैं सकल मूल्य वर्धन जिसे हम क्या कहते हैं सकल मूल्य वर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडेड तो यहां पर किसकी बात की जा रही है वास्तविक की बात की जा रही है दैट रियल की की पर क्या जा रही है बात की जा रही है तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक जो जीवीए है वो है आठ दशमलव एक प्रतिशत क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं वर्ष 2022-23 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है ठीक है तो हम देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आई एम एफ इंटरनेशनल मोनिट्री फंड की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जून का डेटा था उन्होंने यहाँ पर लिया था 8.2 परसेंट ठीक है ये कौन सा डेटा है यहाँ पर जून का डेटा ध्यान में रखना जस्ट हम यहाँ पर दो तीन दिन पहले की यहाँ पर बात करते हैं जुलाई में ये डेटा अभी वर्तमान में ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जुलाई को अगेन आईएमएफ ने एक यहाँ पर नया डेटा रिलीज़ किया है और इस यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को घटाकर वर्तमान में सात दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि दर भारत के लिए अनुमानित की है तो इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे तो वर्ष 2022 हजार में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है तो कितनी अनुमानित की है वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं सात दशमलव चार प्रतिशत का ग्रोथ रेट यहाँ पर भारत के लिए अनुमानित किया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अगर बात किया जाए यहां पर प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पर बात करें या शुद्ध या नेट पर कैपिटा इनकम या अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल इनकम या पीसीआई नेट नेशनल इनकम की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी यहाँ पर अनुमानित की गई है तो अगर भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय की यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो है इक्यानवे हज़ार चार सौ इक्यासी रुपया ये जो मूल्य है ये है स्थिर मूल्य के आधार पर मतलब 2011-12 के प्राइस के आधार पर तो क्या बोला गया है कि पर कैपिटल इनकम नेट नेशनल इनकम की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो कितना है इनयानबे हज़ार चार सौ इक्यासी रुपया वही अगर मैं करेंट प्राइस के आधार पर बात करूँ तो करेंट प्राइस पर उसका जो मूल्य है वो कितना है एक लाख पचास हज़ार सात रुपया लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से कितना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं करेंट प्राइस में 2011-12 के प्राइस में कितना है इतना मानोगे एक लाख सात हज़ार छः सौ सत्तर रुपया अगर वही बोला जाए कि पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से कितना है तो कितना है यहाँ पर एक लाख बहत्तर हज़ार नौ सौ तेरह रुपये तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे चलिए तो आज का हम लोगों का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं आशा है आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर समझे होंगे तो जैसा कि कंपटीशन कम्युनिटी छात्रहित पे हमेशा यहाँ पर तत्पर रहता है वैसे ही हम इकोनॉमिक के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आज जो विषय सूची थी उसके अनुसार हम लोग उन सारे प्रश्नों के ऊपर में यहाँ पर चर्चा किए जो आपके प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महत्वपूर्ण है तो आगे के लिए आगे के अर्थव्यवस्था के दूसरे क्लासेस के लिए बने रहिए कंपटीशन कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में थैंक यू धन्यवाद